Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Welcome back. As all the 5 lectures of electrochemistry we have completed, and till the Nernst equation's constant value we have calculated, this is the 6th lecture of electrochemistry. तो बच्चों जहां तक आपने पढ़ा था उसको नोट्स बना लेना, और नोट्स इसलिए बनाना क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा काम देगा। जैसे कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सब मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि डैनियल सेल कैसे लिखा जाता है, डैनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम बात करें कि उसमें कैसे वैल्यूज निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन सारा हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसमें एक टॉपिक बाकी रह गया था जिस टॉपिक का नाम आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। लास्ट टॉपिक था, वैसे मैंने लिटिल बिट उसमें हिंट दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक स्पेशली गिव्स फ्री एनर्जी क्यों यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। थर्मोडायनामिकली अगर आप देखेंगे तो क्या आप लोगों ने गिव्स फ्री एनर्जी वर्ड जो है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ही पढ़ा होगा, सुना होगा क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 में, तो उसमें आप लोगों ने इसकी जो वैल्यूज थी वहां पर स्पेशली केमिकल रिएक्शंस के लिए, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के लिए है। जो अगर हम यहाँ पर ये जो रिएक्शन है गिव्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ जो है आपका फेराडे है जिसकी वैल्यू 96,500 होती है, और ये ई नॉट सेल जो है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ पर तो आपने देख लिया, और इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच में सर ये जो कह रहे हैं वैल्यू कैसे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है, जिंक सॉलिड और कॉपर प्लस जब आपस में एक्सचेंज करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 3.3 आप देख लीजिए, जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू जो है आपका 1.1 वोल्ट दिया। आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप खुद देख लीजिए कि एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो डेल्टा जी आर की वैल्यू -2 एफ ई हो जाएगी, और अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो डेल्टा जी आर इज इक्वल टू -2 एफ की वैल्यू 96,500 कूलम और ई नॉट की वैल्यू 1.1। 1.1 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 11 by 10, 10 हटा दीजिए, 11 टू जा हो जाएगा -22 into 9650, जो भी वैल्यू होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 9650 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, 6 2 12, 13, 9 2 18, 19, तो 19300, 003, 9312, 9 10 11, 212300, 212300, ये क्या आएगा बच्चों, इसका जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ 1.1 इलेक्ट्रॉन जो सेल पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू है वो आपको आएगा 212.3। कितना आएगा बच्चों, माइनस, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए किलो जूल को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिएगा, ये जूल में आपको आ रहा है, तो उसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये जो है -212.300 किलो जूल पर। ओके, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा यहाँ पर 217, तो इट इज जस्ट डिफरेंस ऑफ 96,500 का उन्होंने एक्यूरेट वैल्यू दिया होगा, जो आप लोगों को पता होता है कि फैराडे से एक्यूरेट वैल्यू 96,487 होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लेते हैं, तो इसीलिए 96,500 में फैराडे का दिया है, तो जिस कारण से आपका वैल्यू में डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप जी आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में जैसे ही अगर इक्वेशन में नंबर ऑफ ऑफिशियंट टर्म्स इंक्रीज करोगे, जैसे जिंक में आप कॉपर में पूरे रिएक्शन में मैंने क्या किया है, आगे में नंबर ऑफ मोल्स जो है 2 कर दिया, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्यों 4 होगी बच्चों, क्योंकि दो कॉपर का इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना,
2Cu2+4 चार इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब जाकर के Cu+ में Cu2+ जो है Cu में कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए यहां पर n की वैल्यू 4 हो जाएगी और वापस वही फार्मूला -Gr=-FeCl, तो यहां पर -4 F का वैल्यू 96,500 और इस n की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी रही होगी और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या ये वैल्यू सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जो हमारे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उन सबके लिए बराबर, तो बस यहाँ पर मैंने लिखा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज 1, अगर यूनिट होगा सबका वैल्यू n की वैल्यू 1, ऊपर में भी जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है सारे की वैल्यू 1 होगी, तो बच्चों Cl इक्वल टू E0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब जब स्टैंडर्ड हो जाएगा तो गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड में होगी, तब जाकर के हम लोग कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू -NFE स्टैंडर्ड, मतलब उसको आप कह सकते हो स्टैंडर्ड पोटेंशियल से, आप लोगों को दिख रहा होगा -FE स्टैंडर्ड राइट, और उसके नीचे मैंने वही वैल्यू लिखा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हम लोग ये वैल्यू के थ्रू इसका वैल्यू निकाल सकते हैं -Gr स्टैंडर्ड इक्वल टू -RTLNK। तो इस तरीके से ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है जो रिएक्शन में किस तरह से निकालना है, मेनली ये वैल्यूज आप लोगों को जो वैल्यूज याद रखना है हमेशा याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म हो उसको या तो बॉक्स पर आ लो या फिर उसको बोल्ड लेटर से लिख लो, ताकि आप लोग जब भी न्यूमेरिकल सुनाओगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है ये वैल्यू आप लोग को याद रहना चाहिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों को लर्न रहे क्या लिखना है राइट। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आप सब लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में ओम्स लॉ, कितने लोगों को याद है ओम्स लॉ, याद है ओम्स लॉ फिजिक्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, इवन 11th के फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, 12th के फिजिक्स में भी गॉसियस लॉ पढ़ा होगा, बहुत सारे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंस ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करता है तो थोड़े इलेक्ट्रिकल जो स्पेसिफिक है उसके टर्म्स हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि ओम साहब ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड आल्सो ही हैड सेड द करंट थ्रू अ कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर से करंट पास होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आप कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V is directly proportional to I, आप कह सकते हो कि जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे, होंगे या नहीं होंगे बच्चों यस और नो, होगा डेफिनेटली होगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर I is directly proportional to V, V is directly proportional to I बराबर, तो यहाँ पर I is equal to हो गया 1/R into V। बोलोगे सर R क्या है, बच्चों R यहाँ पर रेसिस्टिविटी है, V is directly proportional to I, तो V is equal to IR या I is equal to V by R, तो यहाँ पर R जो है आपका resistance of the conductor है, ये क्या होता है आप लोगों को पता है resistance of the conductor या नहीं पता है तो बताइए मैं आपको बता दूँ। जस्ट सपोज कीजिए एक वायर है हमारा, एक वायर से आपने करंट फ्लो किया और उसके अंदर में नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस का मतलब हो गया बल्ब फैन स्विच एसी जो भी कुछ रेसिस्टेंस आपने ऐड किया, तो वही चीज हम लोगों ने ओम साहब ने भी कहा था और वही चीज हम लोगों ने लिखा भी है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए मैंने आपको लिखा था बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई राइट, तो करंट आप जितना ज्यादा दोगे, क्योंकि आप खुद समझ जाओ कि अगर आपके घर में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लोड है तो उस हिसाब से आपको करंट भी चाहिए ना, नहीं तो देखना कितनी बार क्या होता है कि हम लोग जब मोटर चालू करते हैं और उस समय जो टीवी या फिर फैन या एसी चलते रहता है तो देखना उसका ऑटोमेटिक, अगर तुम लोगों को ये देखना हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है, तो गीजर जब भी चालू करोगे तो वॉशरूम का बल्ब जो होता है हमारा बाथरूम का जो बल्ब होता है उस बाथरूम के बल्ब को देखना तुरंत डिम हो जाता है, तो इससे पता चलता है हम लोगों को कि कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल जो कि ओम साहब ने कहा ही था और उससे हम लोगों को मिल गया V is equal to IR, R क्या है हमारा resistance of the conductor। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा सर
ये वायर का शेप साइज कैसा है वो भी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और कहा भी था कि जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है, रेसिस्टेंस इज मेजर्ड ऑन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, R is directly proportional to L, resistance is directly proportional to the length of the conductor. So जैसे और ये जो cross sectional area होता है, जैसे मान लो ये wire है तुम्हारा, wire का जो ये part है, इस part को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, cross sectional area। याद है ना तुम लोगों को maths में पढ़ा होगा CSA, cross sectional area। तो ये cross sectional area का resistance जो है inversely proportional होता है, जो तुम लोगों ने already 10th level standard में पढ़ लिया होगा। तो resistance is inversely proportional to the area and directly proportional to the length। तो इस दोनों को जब एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, R is directly proportional to L, L by A। और जैसे ही तुम ये proportional हटाओगे तो कोई ना कोई constant term use करोगे, तो R is equal to rho into L by A। इसको rho कहा जाता है, ये जो मैंने लिखा है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, rho। रो जो है आपका क्या है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको एस के टर्म में भी हम लोग डिनोट करेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। ये तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 होंगे। तो इतना तक तो तुम लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। पढ़ा है नहीं पढ़ा बच्चों? अब तुम्हारा दिमाग में प्रश्न होगा कि सर यहाँ पर रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा, तो बच्चों ये सब ओम साहब ने किया है, तो उनके नाम से ही SI यूनिट का है। रेसिस्टिविटी का SI यूनिट की जो वैल्यू है वो ओम है। अगर जस्ट सपोज करो, अगर हम इस रेसिस्टिविटी का यहाँ से ही इनवर्स कर दें, 1/R कर दें ये रेसिस्टेंस को, तो इनवर्स जैसे करोगे तो ये जो वैल्यू आपका है वो उल्टा हो जाएगा। 1/R का मतलब हो गया ये एरिया ऊपर लेंथ नीचे, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू एरिया अपॉन रो इनटू एल, जिसको इनवर्स रेसिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इनवर्स रेसिस्टेंस, याद रखना इसको, इनवर्स रेसिस्टेंस। जनरली इनवर्स रेसिस्टेंस को जी से डिनोट करते हैं हम लोग, जी इज इक्वल टू 1/R व्हिच इज इक्वल टू ए बाय रो इनटू एल एंड व्हिच इज आल्सो इक्वल टू के इनटू 1/R। तो बच्चों यहां पर खासकर रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये सारी चीजें आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बस उसको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। अभी फिलहाल आप लोगों को बस इतना समझना है कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसमें जो स्पेसिफिक, ये वर्ड याद रखना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बोलोगे सर ये कब यूज करोगे, रो के बदले आप एस कब यूज करोगे, तो वो भी अभी जस्ट बता रहा हूं लोगों को। फिलहाल क्या करो तुम लोग, ये स्क्रीन का एक या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उसको नोटबुक में लिख लो, ताकि जब भी रेसिस्टेंस वर्ड यूज हो तो तुम्हारे दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए, आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए, राइट। अच्छा बच्चों एक चीज तुम लोग मुझे बताओ, अगर यहां पर हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंट का जो ऐसा यूनिट है ओम है, तो 1/R का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, 1/R का मतलब हो गया 1/ohm बराबर। तो इसको हम लोग क्या ओम लिख सकते हैं या ओम इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस इतना मुझे बता दो, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका ऐसा यूनिट आपको याद कर लेना कि जब भी कोई इसका ऐसा यूनिट वगैरह पूछे तो ये आपको आना चाहिए। अब आ जाइए आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये कंडक्टिविटी जो है क्या हर मेटल का अलग अलग कंडक्टिविटी होगा? डेफिनेटली बच्चों आपके एनसीईआरटी में 3.2 टेबल में दिया हुआ है कुछ कंडक्टर्स और उनके कंडक्टिविटीज के वैल्यू, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट, ये सारे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी वैल्यू आप लोगों को लर्न करना है, जो कि आपके एनसीईआरटी टेबल 3.2 में दिया हुआ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर मेटल तो कंडक्टर है, नॉन मेटल इंसुलेटर्स हैं, मेटलॉइड्स जो है, क्योंकि मेटलॉइड्स में दोनों पार्शियली कंडक्टिविटी और पार्शियली इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है, तो आपके दिमाग में यहां पर क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर यहां पर अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिविटी की या फिर अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर का तो क्या, क्योंकि ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए।
कि सर यहाँ पर एसिस्टिविटी तक तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद भी होगा, इससे रिलेटेड जब आप एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली है, जैसे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड्स की बात हम करेंगे तो उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो मतलब सुपर कंडक्टर आप कहिए जिसकी रेसिस्टिविटी जीरो होगी या फिर इन्फिनाइट होगी, तो ऐसे सुपर कंडक्टर्स आज के दिन में सिरामिक मटेरियल्स में यूज होते हैं जो कि बहुत सारे मिक्सर्स के ऑक्साइड होते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी एट द टेम्परेचर ऑफ 150 केल्विन या उससे ज्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर हम बात करें मेटल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, तो कोई पूछेगा कि भाई साहब ये कोई भी मेटल जो है उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या फिर मेटेलिक आपके या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है? द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन, किन चीजों पर ये निर्भर करता है वो चीज हमें। अब आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में कोई भी मेटल का जो वायर हम लोग लगाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, देखना कॉपर का वायर लगाते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सोचा कॉपर या एल्यूमिनियम इन दोनों का ही क्यों लगाते हैं, तो वही चीज मैंने अभी लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन। सबसे पहला प्रॉपर्टी है द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर कैसा है, द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। दूसरा, मेटल के अंदर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, ये तो आप लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो एलिमेंट के लास्ट से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिक्रीज अगर मान लीजिए इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो भी होगा याद रखना बच्चों, क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जितने भी मेटल होंगे उनका जो कंडक्टिविटी होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा बच्चों, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो घटने लगेगी, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ मेटल, कि भाई आप मेटल जो भी आप यूज कर रहे हो, मेटल जो कंडक्टिविटी के बारे में बता रहा हूं, तो वो किन-किन चीजों पर निर्भर करता है, कैसे हम, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर का ही हम लोग वायर जो भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट बनाते हैं हम लोग घर में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज करने के लिए जो सर्किट का निर्माण करते हैं, तो उसमें कॉपर का ही वायर क्यों डालते हैं? रीजन ये है कि सबसे पहले तो कॉपर का नेचर जो है वो आपका कंडक्टर है, आपको पता है कि मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, और सबसे बड़ी बात उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन स्यूडो, उसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, स्यूडो जिंक को कहा जाएगा ना कि कॉपर को,
तो ये कॉपर में जो है 3D10 4S1 की एक क्षमता, ये मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी आया तो तुरंत उसको मतलब फ्लो करने की क्षमता ये रखता है। तो इसीलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी आपको क्या होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना उसके लास्ट सेल में है, तो जिससे आप मेटल के कंडक्टेंस के बारे में पता चल जाओगे, जिसमें अगर मान लो कम है तो भाई फिर कंडक्टेंस। अब यहां पर हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब हो गया, जैसे आप कुछ सोचो कि वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी गेन करेगा, जैसे Cu2+ और Cu+, इस दोनों में पूछोगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, Cu2+ और Cu+, ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो तुम लोग बोलोगे कि सर Cu+ स्टेबल है क्योंकि 3D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, लेकिन बच्चों फोर्थ सेल का जो ऑर्बिट है वो तो खाली रह जाता है। Cu2+ में क्या होता है, 3D9 हो जाता है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है तो उसका जो स्पिन मैग्नीट्यूड है s की जो वैल्यू होती है 2s+1, जिसमें s जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 1/2+1, तो इसका जो स्पिन क्वांटम या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जिसकी वैल्यू 2 हो जाती है, जिस कारण से आपको पता चलता है Cu2+ इज मोस्ट स्टेबल देन Cu+। तो बच्चों यहां पर एक छोटी सी चीज, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया सिर्फ कॉपर का, बाकी मेटल्स के भी अगर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको मेटल के कंडक्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह से इनका नेचर, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको पूछूं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड पे इंटर करने दे और दूसरे एंड से हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें, तो इनका जो कंपोजिशन होगा मेटलिक कंडक्टर का वो बदल जाएगा। तो उसके बाद कंडक्टर्स का जो मैकेनिज्म है वो सेमी कंडक्टर के रूप में, जो ज्यादा डिटेल आप लोग 7th चैप्टर मुझे याद है कि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को बताया था कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों, याद है आप लोगों को 7, तो याद है हम लोगों ने H+ कंसंट्रेशन में OH माइनस कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू -10^-40 मोलारिटी, 10^-7 इनटू 10^-7 व्हिच लैंड वेरी लो कंडक्टिविटी दैट इज 3.5 × 10^-5 रो पर। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को जब डिसॉल्व करते हो बच्चों तो उसके अंदर में क्या होगा, आयंस जो है वो टूटेंगे और वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जैसे उसके अंदर में आयंस घुलना चालू करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी को तो भाई आयन से मतलब है ना, the conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conductance, और ये conductivity जो ionic solutions है वो भी depend करता है कि किस तरह का, याद रखो the conductivity of electrolytic solution, the conductivity of electrolytic solution डिपेंड्स अपॉन, जिस तरह से ये मेटल के बारे में हम लोगों ने लिखा तो उसी तरीके से यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे तो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी हमको लिखना है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू द सॉल्यूशन, the nature of the electrolyte added, मतलब किस तरह का strong electrolyte है या weak electrolyte है वो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो ये हमारा first point है जो conduction of electrolytic solution depend करता है। Second point है इसका size of the ions produced and their solution, मतलब आप कह सकते हो जो इसके अंदर solution के अंदर में आयंस के साइज कैसे, उनका मतलब एटॉमिक साइज, आयनिक साइज किस तरह है, द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्यूशन, द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्यूशन, किस तरह का सॉल्यूशन है, तो वो चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कैसे सॉल्यूशन में इनका जो आयनिक साइज है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट,
तीसरा क्या है बच्चों, कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी याद रख लीजिएगा कि भाई किसका कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ पॉइंट आ जाइए बच्चों, विस्कोसिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में ही, आई थिंक या फिफ्थ चैप्टर नंबर स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों ने विस्कोसिटी का नाम सुना होगा, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड और इसका एक लास्ट टर्म है बच्चों, नहीं दिख रहा है इसलिए तो मैं बता रहा हूं आप लोग, इसका एक लास्ट फॉर्म उसके पास भी है, जैसे हम लोगों ने उसमें लिखा था कि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ वो डिक्रीज होता था, इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर में क्या लिखना है बच्चों, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बोलोगे सर आप तो फिजिक्स पढ़ाने लगे, नहीं बच्चों थोड़ा मोड़ा यूज पड़ता है फिजिकल, इसका नाम ही है फिजिकल केमिस्ट्री, तो थोड़ा मोड़ा तो सीखना पड़ेगा। तो बच्चों जब भी आप कोई भी चीज का नोट्स भी बनाओ या कुछ बनाओ तो मेन मेन पॉइंट्स को जरूर लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किन चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप सारी चीजों को लिखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली समझ में आते जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी डिपेंडेंस है। बच्चों अभी तुमने जस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो आई की वैल्यू देखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी देख लिया तुम लोगों ने, उसके बाद तुम लोगों ने रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस इनवर्स के बारे में भी देख लिया किस तरह से, उसी तरह से यहाँ पर कंडक्शन द कंडक्टिव, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है बच्चों, इसको मैं लिख देता हूँ कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन किन किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। पहला मैंने लिखा है द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा उसके अंदर में किस तरह के आयन के साइज प्रोड्यूस हो रहे हैं, द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन का ही सॉल्यूशन में किस तरह के आयन थे और उनके अंदर में कैसे कैसे आयन प्रोड्यूस हुए। तीसरा मैंने लिखा कि कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड हुए हैं उनमें जो मोलैरिटी है उसका कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है वो देखना है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द विस्कोसिटी, भाई सॉल्वेंट का नेचर कैसा, जो आपने सॉल्यूशन बनाया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया उसमें सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, कोवेलेंट है आयनिक है, वो भी ध्यान में रखना है। एंड लास्ट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चों कंसंट्रेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मोलैरिटी की बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक विल आल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, ये दोनों के मेन मेन पॉइंट जो चीज डिपेंड करते हैं उसको लिख लेना है नोटबुक में। बच्चों देखो ये इलेक्ट्रिसिटी एक छोटी चीज नहीं है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं है केमिस्ट्री में, अगर तुम पूछो तो फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, तो कुछ कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है ताकि आप समझ सको कि भाई आप खुद सोचो सर ये टेंथ का फिजिक्स का ओम्स लॉ कहाँ से आ गया, रेसिस्टिविटी कहाँ से आ गया, कॉन्स्टेंट कहाँ से आ गया, सारी चीजें आपके दिमाग में आती होगी। तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल 3.2 में कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, जो कंडक्टर्स इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा सारा वैल्यू आप लोगों को लिख करके रखना है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द आयनिक सॉल्वेंट, ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आप आगे मत बढ़ो जो भी चीज है। डैनियल सेल्स स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था, किस चीज से याद है हम लोगों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मैंने कहा था कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी, किन किन चीजों में यूज होता है। इवन मैंने तुमको ये भी बताया था कि नेपोलियन के टाइम में गोल्ड सस्ता था, एल्युमिनियम महंगा है, और आज एल्युमिनियम बहुत सस्ता है कि एल्युमिनियम के फॉइल में हम खा के उसको फेंक देते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा, डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा, डैनियल सेल रिप्रेजेंट करने आ गया, तो उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल है उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल्स की वैल्यू निकाला, सारा वैल्यू भी तुम लोगों को मैंने कहा था टेबल में लर्न कर लेने के लिए।
वो तुम लोगों ने लर्न किया। उसके बाद नर्स्ड इक्वेशन हम लोगों ने सीखा, नर्स्ड इक्वेशन पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए। उसके बाद नर्स्ड इक्वेशन का जो कांस्टेंट की वैल्यू है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उसके बारे में देखा। आज हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसका एक न्यूमेरिकल भी बनाया। इससे भी आप दो न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वाला जो मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी एंड आयनिक सॉल्यूशन के बारे में है। जैसे जी नॉट की जो वैल्यू होगी तो कैसे जो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का कंपेयर करेगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स है उसको भी हम लोग ज्यादा नहीं है बच्चों, एक विस्कोसिटी आएगा क्योंकि ऑलरेडी विस्कोसिटी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो लिटिल बिट आप लोगों को नया लगेगा कि नहीं समथिंग इज रियली डिफरेंट। 12th स्टैंडर्ड में आने का मतलब ही होता है कि कुछ आपको नया सीखने को मिले, और यही चीजें आपको पूरे बीटेक में या फिर नीट में आपको समझना है, उसको यूटिलाइज करना। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर नंबर 6 समझ में आया होगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आई है उसको आप नोट डाउन करके नीचे में कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। That's all for today. Thank you very much for watching this video. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you very much. Have a great day.